हेलो गाइस, वेलकम टू तेजमणि न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बारे में, उसमें क्या क्या अपडेट आने वाले हैं मार्वल फैंस के लिए, तो सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रूसो ब्रदर के बारे में। तो रूसो ब्रदर सैन डिएगो कॉमिक कॉन को अनाउंस करने वाले हैं, होस्ट करने वाले हैं, और उन्होंने ये ऑफिशियली कन्फर्म करा अपने ऑफिशियली इंस्टाग्राम पर। उन्होंने एक पिक डाली सैन डिएगो कॉमिक कॉन की लोगो वाली, जिसमें कि आँख दिखाई दे रही है सिर्फ ओनली। तो ऐसे कन्फर्म हो जाता है कि रूसो ब्रदर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में तो आ रही हैं और वो उसे होस्ट भी करने वाले हैं अपडेट के साथ साथ। देन सबसे बड़ा अपडेट है मार्वल फैंस के लिए, वो ऑफिशियली एवेंजर की 5 जो कास्ट है वो दोबारा से रिटर्न हो रही है सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। अब ऐसा क्यों, ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, पर ये 5 कैरेक्टर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में आ रहे हैं, रूसो ब्रदर होस्ट भी करने वाले हैं और भी काफी सारे अपडेट आने वाले हैं। और देन उसी के साथ बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल फैंस के लिए होंगे। तो सबसे पहले ब्लैक विडो अनाउंसमेंट करी जाएगी, दी इंटरनल्स करी जाएगी, और शांग-ची अनाउंसमेंट करी जाएगी, उसकी कास्टिंग के बारे में अनाउंसमेंट होगा। रूमर है कि नोवा भी अनाउंसमेंट हो सकती है। डिज्नी प्लस के शो दिखाए जाएंगे जो कि आने वाले हैं फ्यूचर में, और एस्टर शो भी होंगे, और ब्लैक पैंथर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी लाइकली अनाउंस हो सकती हैं। अब बात करते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो सभी जानते हैं कि गोमोरा कन्फर्म हो चुकी है और वो टोनी की स्नैप से भी बच चुकी थी। जी हाँ, पर अब सबसे बड़ा अपडेट ये है कि गमोरो का जो कैरेक्टर है वो अब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, गमोरो का जो कैरेक्टर है वो एक बैड गर्ल टाइप का होने वाला है। एवेंजर एंड गेम में गमोरा जब रिटर्न होकर दोबारा से पीटर कुल से मिलती हैं तो उसका कैरेक्टर कैसा था, एकदम बैड गर्ल टाइप का। उन्होंने तुरंत पीटर कुल से मिलते ही लात मारी। क्या यही है वो बेवकूफ, आपको शायद याद भी होगा। तो यही सेम कैरेक्टर हमें देखने को मिलना है आगे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। अब तो इसमें थॉर भी है तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगला अपडेट है स्पाइडरमैन फैंस के लिए। तो स्पाइडरमैन इंडिया में रिलीज होगी 2 घंटे 9 मिनट 45 सेकंड की, और यूएसए सर्टिफिकेट मिला है और कोई भी कटसीन नहीं करा गया है। तो फैंस, बहुत अच्छी खुशखबरी है, इंडिया में फुल मूवी दिखाई जाएगी। उसी के साथ इसके डायरेक्टर ने इमेज कास्ट डाली है जो कि इंटरव्यू दौरान ली जाती है। और अभी हाल ही में ब्लैक विडो की सेट फुटेज लीक हुई है जिसमें कि वो बाइक वाला स्टंट करती नजर आ रही है। तो ये स्टंट करीब 7-8 दिनों से चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मूवी में सबसे बेस्ट सीन होने वाला है, और भी होगा पर अभी जो हाल में नजर आ रहा है वो ही। अब बात करते हैं डीसी फैंस के लिए। तो डीसी फैंस काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं फ्लैश मूवी का। तो उस मूवी को डायरेक्टर ने छोड़ दिया, स्क्रिप्ट पे काम नहीं चल रहा था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। तो फाइनली अब इस मूवी के लिए एक डायरेक्टर मिल चुका है। अपडेट के अनुसार पता ये चला है कि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं एंडी, ये इनका ऑफिशियली नेम है, जो कि ऑलरेडी आईटी चैप्टर मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो अब फ्यूचर में हमें फ्लैश मूवी के साथ और भी अपडेट जानने को मिलेंगे। और जब एंडी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं तो देखते हैं कि फ्यूचर में ऑफिशियल क्या क्या अपडेट आते हैं। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।